बताई आपको, और मैं बड़ा खुश हूँ कि सरकार ने क्लैरिफिकेशन दे दी कि ये जिनको मर्जी है उनके लिए ही है, ये मुस्लिम कम्युनिटी पे एप्लीकेबल नहीं है। इट मैटर एंड्स देयर इफ द गवर्नमेंट हैज कंसीडर्ड टू इट कि हमें क्या है, हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, जिस हर मजहब का रिस्पेक्ट होना चाहिए, जिस मजहब में ये जायज़ होगा वो कर ले, हमारे मजहब में इस्लाम में जायज़ नहीं। मैंने तो कल भी व्यूज इस पर दे दिया और मुझे बड़ी खुशी है सरकार ने अंडरस्टैंड कर लिया कि ये गलती थी उनकी, कि वो मुसलमानों पर भी ये राइज करना चाहते थे जो हमारे दीन में नहीं है। सर ये सब नहीं मालूम है, मुझे लगता है शायद जो इस वक्त अरबाब इक्तदार हैं उनको सेंसिटिविटीज़ का मालूम नहीं है कि जम्मू कश्मीर की अपनी सेंसिटिविटीज़ है। करेक्ट, मेरा हमेशा मानना है कि शायद एलजी साहब के इंटेंशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके जो एडवाइजर्स हैं क्योंकि लोकल नहीं है, उनको लोकल सेंसिटिविटीज़ का शायद वो ब्रीफ नहीं कर पा रहे, लेकिन बहरहाल क्योंकि सर बहरहाल अच्छा है मीडिया प्लेज द रोल, आप लोग हाईलाइट करते हो लोगों के सेंटिमेंट्स, और इंशाल्लाह आपको मैंने हमेशा कहा है कि हम उन सियासतदानों में से जिनके लिए लोगों के एहसासात और उनके जज्बात उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने उनकी बाकी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, उनकी तरक्की, उनकी रोज़गार, हम दोनों चीज़ों का हमेशा ख्याल रखेंगे। और आप देखेंगे हमेशा अपनी पार्टी और अल्ताफ बुखारी हर चीज़ की तरफ अटेंड करेगी, ये नहीं है कि हम कहेंगे नहीं कि डेवलपमेंट हो या रोज़गार ही हमारा काम है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए देखना, हमारा ये भी है कि उनकी जनरलिस्ट सेंटिमेंट्स के साथ कोई ना खेले, उनके जज्बात और एहसास के साथ कोई ना। और ये खाली बात करने से नहीं है, मैं पूरी कम्युनिटी लोगों को अपील करता हूँ कि माली इमदाद की जाए उनकी, क्योंकि ये हम सोचेंगे कि सरकार की माली इमदाद करेगी, वो सरकार कैसे माली इमदाद करेगी जिस सरकार ने उनका तहस नहस किया है, कि आम हम सब लोगों पे जिम्मेवारी है कि हम उनको इस वक्त माली इमदाद भी करें, ताकि वो बेचारे इस सर्दी में अपने बच्चों का अपने माल मवेशियों का ख्याल रखें। हम हमेशा हर कम्युनिटी के जज्बात और एहसास का ख्याल, मतलब नहीं है कि शायद हम मैं खुद मुसलमान हूं तो मैं खाली मुसलमानों के जज्बात और एहसास का ही ख्याल रखूंगा, हम सब मजहबों को बिल्कुल हमें सबको एक दूसरे के मजहब की ये इज्जत भी करनी चाहिए और अपने दिल में उसके लिए एक